नमस्कार दोस्तों, आर के स्टडी चैनल पर आपका एक बार फिर स्वागत है। जैसा कि दोस्तों 2018 का टेट पेपर तो हो चुका है, लेकिन और फाइनल आंसर किए आने के बाद भी गलत सवालों पर कोर्ट जाने की तैयारी कर चुके हैं अभ्यर्थी। तो उसमें देखिए हुआ क्या है कि जो पेपर हुआ था टेट की, उसके कई क्वेश्चन पर अभी छात्रों को आपत्ति है, अभ्यर्थी उससे संतुष्ट नहीं हुए हैं। तो काफ़ी क्वेश्चन हैं, जैसे प्रश्न संख्या 10 देखिए, पूछा गया पुल्लिंग शब्द का चयन करें। सवाल का सही जवाब जो है आयोग ने पहिया माना, लेकिन अभ्यर्थी क्या कह रहे हैं, हर देव बाहरी जो है हिंदी व्याकरण के उनकी जो पुस्तक है उसमें पखावज को भी सही माना गया है। प्रश्न संख्या 11 में देखिए, गृहिणी विरहिणी शब्द का अशुद्ध है से जुड़े सवाल थे, जो कि कक्षा 8 की जो पुस्तक मंजरी है उसको साक्षात्कार माना जाए तो उसमें ये माना गया है कि दोनों अशुद्ध हैं। प्रश्न संख्या 12 में देखिए क्या है कि लोकसभा चुनाव की सूचना कौन जारी करता है, तो शायद वो लोग कह रहे हैं कि प्रसिद्ध विद्यालय कक्षा 8 की पुस्तक को अगर साक्ष मानते तो राष्ट्रपति माना गया है उसमें। और नेक्स्ट देखिए आपका पूछा गया है कि प्रश्न संख्या 7 में कौन स्वर ह्रास नहीं होता, तो सवाल कक्षा 1 से 5 तक की पुस्तक को अगर रुचिरक उदाहरण बनाया जाए तो उसकी भी आपत्ति उन लोगों ने किया है। ये देखिए जो क्वेश्चन बताया जा रहा है वो सेट ए के है। तो प्रश्न संख्या 6 में कौन शिक्षण सूत्र नहीं है, तो एनसीईआरटी की पुस्तक को अगर साक्ष्य मानते हैं तो उसमें ये कहा गया है कि आदि शिक्षण सूत्र जो है दृश्य से आदृश्य नहीं है। जबकि प्रश्न संख्या 8 में इस्मक इस्मक शहर का षष्ठी बहुवचन रूप से संबंधित सवाल पर भी आपत्ति है। प्रश्न संख्या 9 में वर्तमान राष्ट्रीय महिला आयोग की जो अध्यक्ष से जुड़े सवाल है वो बता रहे कि सिलेबस से बाहर है। इसके अलावा देखिए कि प्रश्न संख्या में बताया गया 44 में है कि तद्भव और तत्सम से संबंधित सवाल में सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी कार्यालय ने दो विकल्प को मान लिया था, एक रूपक दूसरा श्लेष। जबकि अभ्यर्थियों का दावा क्या है कि सभी को समान अंक देने चाहिए, दो को न मान के सभी इसको कॉमन कर देना चाहिए। और प्रश्न संख्या 53 में देखिए क्या है कि मेरी बहू बाधा राधा हरू वाला, तो मेरी बहू बाधा हरू में इस संबंधी जो सवाल इसमें रूपक श्लेष दोनों माना गया है। और उन्होंने क्या कहा है कि अभ्यर्थियों ने कि इसमें सभी को मान लेना चाहिए, जबकि ऊपर वाले में अभ्यर्थियों का वो एक था शायद तत्सम तद्भव में जो था लवणता वाला, वो दो विकल्प सही माने गए, एक हाथ वाला एक लवणता वाला, तो उसको अभ्यर्थी सभी कह रहे हैं और इसको भी सभी मानने को कह रहे हैं। प्रश्न संख्या 23 में देखिए क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित सवाल है, तो डॉक्टर मालती सारस्वत की पुस्तक को आधार बना के आपत्ति किया गया है। और प्रश्न संख्या 24 में कौन से अधिगम की एक विशेषता नहीं है, तो इसमें देखिए एल गुप्ता एवं मदन मोहन की पुस्तक में जो है अगर देखा जाए तो उस पर आपत्ति तथ्यों पर बनाकर आपत्ति करेंगे। तो इस हिसाब से देखा जाए तो 1 2 3 4 और उसके बाद इधर 5 6 7 8 9 10 का तकरीबन 10 क्वेश्चन है जिस पर अभी भी अभ्यर्थियों ने आपत्ति किया है और ये मांग कर रहे हैं कि अगर इस पे मतलब कि आयोग को अपना आंसर सही से देना चाहिए, और नहीं तो वो लोग कोर्ट तो जा ही चुके हैं। और देखिए अब कोर्ट से जो भी फैसला आता है। तो दोस्तों अगर ये आपको वीडियो पसंद आए तो आप लाइक सब्सक्राइब कीजिए, इससे क्या होगा कि जो लोग नहीं जानते हैं या फिर काफ़ी लोग जुड़ेंगे जिससे कि छात्रों के भविष्य का जो सवाल है वो अंधकार नहीं पाएगा। थैंक यू दोस्तों आपको।